गाइस बोट ने आज अपनी एक और नई स्मार्ट वॉच बोट लूनार कनेक्ट प्लस को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। बेसिकली जो लूनार सीरीज़ है उसमें ये राउंड डायल की स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करते हैं और ये इनकी नई सीरीज़ है। इसमें इन्होंने 3 या 4 स्मार्ट वॉचेस लॉन्च की है और ये उनमें से एक स्मार्ट वॉच है। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। बेसिकली जो इसकी प्राइसिंग है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बट आज इसकी लॉन्च है तो लॉन्च के दिन आपको ये स्मार्ट वॉच 1999 में मिलेगी और नेक्स्ट डे से इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। और स्मार्ट वॉच के अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो इनक्रेडिबल हैं। आपको 3000 की स्मार्ट वॉच में भी ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको इसके अंदर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अगर आपको स्मार्ट वॉच पसंद आए तो ज़रूर से इसको बाय करना। बाइंग लिंक इसका आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं स्मार्ट वॉच को, उसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर बोर्ड की जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको फ़ोन में, और डायरेक्टली वहाँ से स्कैन करके आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी ये QR कोड है उसको स्कैन करके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 1.43 इंचेस की एक राउंड शेप की 2.5D कर्व्ड ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके और 600 निट्स की ब्राइटनेस को ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी इजीली विजिबल होंगे। जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं वो आपको इजीली विजिबल होने वाले हैं और वीक गेस्चर का भी सपोर्ट उसके अंदर आपको मिल जाता है। इसका UI बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे, और जो भी टच वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। तो डिस्प्ले और UI के मामले में ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्मार्ट वॉच है। अभी बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी बड़ी स्मार्ट वॉच है, 1.43 इंचेस की डिस्प्ले है तो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। जिस प्राइस सेगमेंट पे आपको ऑफर कर रहे हैं उस प्राइस सेगमेंट पे आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये स्मार्ट वॉच। इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो आपको बिल्कुल भी हैवी वगैरह फील नहीं होने वाला है। अगर आप इसको वियर करते हैं लंबे समय तक तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, आप इसको कम्फर्टेबली वियर कर सकते हैं। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी मिल जाता है जो कि सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है, तो जो कॉलिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको INX टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि बोट के हेडफोन्स वगैरह ईयरफोन्स वगैरह में देखने को मिलती है, तो स्मार्ट वॉच में भी वो देने लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बोट की तरफ से कॉल क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, तो HD क्वालिटी की कॉल्स वगैरह आप इसके अंदर इन्जॉय कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा है। और स्पीकर वगैरह की क्वालिटी, माइक क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और नॉइज़ वगैरह बिल्कुल भी बैकग्राउंड का वो ब्लॉक कर देता है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाइस इसके अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाती है, साथ ही SpO2 आप वगैरह मेज़र कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, स्लीप वगैरह आप इसके अंदर जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ ही आपको ब्रीथिंग की प्रैक्टिस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस वगैरह इससे कर सकते हैं, अपनी ब्रीथिंग को एनहेंस कर सकते हैं। उसी के साथ इसके अंदर आपको वीमेन हेल्थ का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप वीमेन हैं और परचेज करना चाहते हैं स्मार्ट वॉच को तो आपके लिए भी ये फीचर जो है इसके अंदर दिया गया है। एंड काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर आपको दिए गए हैं, लाइक वर्कआउट मोड्स, आउटडोर वर्क, आउटडोर रन,
माउंटेनिंग और यहाँ पे साथ ही इंडोर रनिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, योगा और उसके साथ काफ़ी सारी और भी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारे जो है वो फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं जिसको जिनके थ्रू आप अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। और एक और अच्छा फीचर इसके अंदर आपको मिलता है ऑटो स्पोर्ट्स मोड का, उस फीचर को ऑन कर लीजिए और जब भी आप गेम्स वगैरह स्विच करेंगे, लाइक अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसको स्विच करके अगर आप रनिंग पे जाते हैं, या फिर अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं उसको स्विच करके आप कार्डियो वगैरह कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपको मतलब इंडिकेट करेगा कि आपने जो है वो स्विच किया है, तो आपको जो है जो भी कैलरीज वगैरह बर्न होती है उसके अकॉर्डिंग ये शो करेगा। सो दैट्स अ गुड थिंग और काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है और साथ ही आप अपने म्यूज़िक वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर वगैरह भी इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इवेंट के रिमाइंडर्स वगैरह लगा सकते हैं, अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं, साथ ही आप कैमरा शटर बटिंग तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी इसके अंदर आप 10 सेव कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। टूल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो टूल्स में भी आपको स्टॉपवॉच वगैरह, टाइमर वगैरह मिल जाता है और कैमरा कंट्रोल, फाइंड माई फ़ोन का सपोर्ट मिलता है, फ्लैशलाइट का सपोर्ट मिल जाता है, कैलकुलेटर का भी सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और साथ ही सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में भी कुछ वॉच फेस का सपोर्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे 5 से 6 वॉच फेस जो है इनबिल्ट आपको मिलते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे फिर से मैं सेटिंग में जाता हूँ और डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस वगैरह है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्क्रीन ऑन टाइम सेट कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से 2 स्टाइल्स आपको मिलते हैं तो वो आप जाकर चेक कर लेना। साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर हम जाते हैं तो आपको रिंगटोन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है और वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छी है, वाइब्रेशन का भी वो आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसको इनेबल करने के बाद आपकी बैटरी लाइफ भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है आप अपने स्मार्ट वॉच को यूज़ कर पाएंगे बिना चार्ज किए हुए। साथ ही स्मार्ट वॉच IP68 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है, तो अगर आप इसको पहनकर वर्कआउट वगैरह करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाली है। साथ ही अगर आप इसको पहनकर एक्सीडेंटली हैंड वगैरह वॉश कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं आने वाली है, इजीली सर्वाइव कर जाती है। साथ ही इसके अंदर आपको AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने स्मार्ट वॉच से कमांड देकर, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप सीरी को एक्सेस कर सकते हैं अपने स्मार्ट वॉच से कमांड देकर, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपने स्मार्ट वॉच से कमांड देकर एक्सेस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी बात करते हैं स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के बारे में, जो कि इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि इस डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप सोच रहे होंगे कि बैटरी लाइफ कम होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 10 डेज़ की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है 1 टाइम के सिंगल चार्ज पे, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसे स्टैंड बाई मोड पे यूज़ करते हैं या फिर पावर सेविंग मोड पे यूज़ करते हैं तो 30 डेज़ की बैटरी लाइफ आपको इजीली इससे मिल जाने वाली है, और ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह रेगुलरली यूज़ करते हैं या फिर लगातार यूज़ करते हैं इसे तो 2 दिन की बैटरी लाइफ आपको इजीली इससे मिल जाती है, जो कि इनफ है। और काफ़ी अच्छी जो है वो बैटरी लाइफ आपको इसके अंदर दी गई है, 300 mAh की एक बड़ी बैटरी इसके अंदर आपको प्रोवाइड की गई है बैटरी लाइफ के लिए। गाइस अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो प्राइसिंग तो वैसे इसकी बहुत ज़्यादा है, बट लॉन्च डे पे इन्होंने जो प्राइसिंग इसकी रखी है वो 1999 rupees है, तो अगर आप इसे आज बाय करते हैं स्मार्ट वॉच को तो आपको 1999 rupees में मिलेगी और ये एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट वॉच है। आई डोंट थिंक कि कोई अदर स्मार्ट वॉच इस प्राइस सेगमेंट पे स्मार्ट वॉच को टक्कर दे सकती है या फिर इसे बीट कर सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। AMOLED डिस्प्ले आपको मिलती है एक बहुत बड़ी 1.43 inches की, साथ ही इसके अंदर जो UI है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है, तो आप स्मार्ट वॉच को बाय कर सकते हैं। बाइंग लिंक्स आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।